हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है पोहा। ये पोहा खाने में बहुत टेस्टी होता है और झटपट बन भी जाता है। ठंडी के मौसम में इस तरह से पोहा बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी मंग मंग कर खाएंगे। आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। पोहा बनाने के लिए 2 कटोरी पोहा लिए हैं, इसको छन्नी में डाल दिए। अब इसे पानी डाल के धो लेंगे। पोहा को अच्छे से धो लिए हैं, छन्नी को साइड में रख देते हैं। इसमें जो पानी होगा छन जाएगा। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। इसमें छोटे चम्मच से 2 चम्मच ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया तो 1/2 कटोरी मूंगफली का दाना डाल दिए। अब इसको फ्राई करेंगे। बराबर चलाते हुए 2-3 मिनट तक इसे फ्राई कर लिए हैं। ये चटकने लगा तब इसको निकाल लिए। अभी इसे साइड में रखते हैं। उसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल और डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, 1/4 चम्मच जीरा डाल दिए। जीरा चटकने लगा, 2 हरी मिर्ची काट के डाल दिए। 1 छोटे साइज का प्याज काट के डाल दिए। अब इनको 2-3 मिनट तक फ्राई होने देंगे। प्याज हल्के गुलाबी कलर का हो गया। 1 कटोरी हरा मटर छील के रखे हैं, इसे भी डाल देंगे और इसको भी 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब से मटर सॉफ्ट नहीं होगा तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। मटर फ्राई हो गया। अब जो चूड़ा हम धो के रखे थे इसको पोहा भी कहते हैं। इसमें डाल दिए 1/4 चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल दिए, ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालिएगा। 1/2 चम्मच नमक डाल दिए, चीनी 1/2 चम्मच डालेंगे और जो मूंगफली का दाना भून के रखे थे इसे भी डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5-6 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे पोहा को। 5-6 मिनट हो गया फ्राई करते। 4-5 पीस काली मिर्च कूट के रखे थे इसे डाल दिए। हरा धनिया डाल दिए, इन्हें मिक्स कर दिए। अब गैस को बंद कर देंगे। पोहा बन के रेडी हो गया है। अब पोहा को सर्व कर लेते हैं। पोहा खाने के लिए रेडी है। ये झटपट बन भी जाता है। आप चाहे इसे सुबह के नाश्ते पे खाइए, चाहे छोटी मोटी भूख में खाइए। तो इस तरह एक बार पोहा आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।